हे वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल यूज। मेरा नाम है मनोज। जैसा कि आपको पता है, स्टार्टिंग जो है थोड़ा थोड़ा धीमी गति से कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में आपको जो पहले जैसा जोश था वैसा आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हम स्मार्टफोन जो हम खरीदते हैं, हमारे पास स्मार्टफोन है, ठीक है। आज हमने जो स्मार्टफोन खरीदा, फिर ऐसा हो जाता है कि कल जाके हम कोई दूसरा स्मार्टफोन खरीदते, बट सवाल ये है कि क्या हम अपने स्मार्टफोन से खुश हैं। अब रिसेंटली ऐसा हुआ था कि मैं बाहर गया था, मैं काफ़ी लोगों से मतलब बीच में मेरा मिलना जुलना तो रहता ही रहता था। तो मैंने देखा था कि जब भी मैं किसी को पूछता था कि भाई हाँ या आपके पास ये फ़ोन है, तो वो हमेशा ये कहते थे कि यस हम इसे अपग्रेड करने वाले, मतलब जब भी हम उसके बारे में पूछते हैं फ़ोन के बारे में, तो वो कोई और फ़ोन के बारे में बात करते हैं कि यस मैं अभी दूसरा फ़ोन लेने वाला हूँ। तो इससे पता चलता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब दोस्तों, सेटिस्फाइड नहीं है उस फ़ोन से, इसका मतलब ये क्लियर है कि उस फ़ोन में कुछ ना कुछ कमियाँ देखने को उन्हें मिल रही है। हर किसी को आपको फ़ोन में, कोई भी फ़ोन हो, कमी आपको मिलनी है, कितना भी अच्छा फ़ोन क्यों ना हो। तो अब दोस्तों क्या होता है कि एक परफेक्ट स्मार्टफोन अभी तक बना नहीं है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की हम बात करें, लेकिन अभी तक ऐसा कोई परफेक्ट स्मार्टफोन ही हमारे हाथ में नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि यस ये स्मार्टफोन में हमें हर चीज़ हमें मिल रहा है। जैसे कुछ स्मार्टफोन में समझ लीजिए कि आपको कैमरा सबको काफ़ी अच्छी मिल रही है, हो सकता है आपको रियर कैमरा बहुत अच्छी मिल रही है, पोर्ट्रेट कैमरा अच्छी नहीं मिल रही है, आपको पोर्ट्रेट कैमरा अच्छी मिल रही हो, रियर कैमरा अच्छी नहीं मिल रही, या ऐसा हो सकता है कि आपको दोनों अच्छा मिल रहा है, आपको फ्रंट कैमरा अच्छा ना मिल रहा हो, या फिर ऐसा होता है कि आपको फ्रंट कैमरा अच्छा मिल रहा हो, पीछे का दो कैमरा आपको अच्छा ना मिल रहा हो। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। परफॉर्मेंस को लेकर भी इशू होता है, क्योंकि हम जो स्मार्टफोन खरीदते हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टॉक एंड्रॉइड प्रीफर करते हैं। अब क्या होता है कि स्पेसिफिकेशन वाइज जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी सही है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस यूआई, अब क्या हो रहा है कि एक स्मार्टफोन का कैमरा काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बैटरी अच्छी है, लेकिन यूआई के अंदर गड़बड़ा जा रहा है। यानी कि बहुत सारे लोग को स्टॉक एंड्रॉइड मोस्टली ज़्यादा करके लोग प्रीफर करते। तो आज यही कहूँगा कि जितने भी स्मार्टफोन अब तक बन रहे हैं, एटलीस्ट एक या दो चीज़ तो उसमें कमियाँ सबको मिलती है, कॉल कनेक्टिविटी की हो, बैटरी की हो। तो बात यह है कि जो परफेक्ट स्मार्टफोन है वो अभी तक परफेक्ट, ऐसा कोई स्मार्टफोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है जो हम कह सकते हैं कि यस ये एक परफेक्ट स्मार्टफोन है। बट उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अब आज के डेट में आपको पता है कि बैटरी भी काफ़ी जल्दी रिड्यूस हो रही है, बिकॉज काफ़ी सारे चीज़ें इन्हेंस कर रहे हैं, और वो इन्हेंसमेंट की वजह से जो बैटरी है वो बहुत ही जल्दी रिड्यूस होने लग रही है। अब इसके पीछे का जो रीज़न है वो कह रहे हैं कि हम बैटरी को लेकर भी वर्क कर रहे हैं, बट देखते कब तक आएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो मैं दो स्मार्टफोन यूज़ कर रहा हूँ, दोनों स्मार्टफोन में मुझे कुछ ना कुछ कमियाँ मुझे मिल रही है। जैसे कि मैं अभी जो शूट कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी शूट कर रहा हूँ, वीडियो कैमरा है जो नोकिया 5.1 प्लस से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब ये है कि जो नोकिया 5.1 प्लस से मैं शूट क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे वो क्वालिटी नहीं मिल रहा है वीडियो में ओपन कैमरा से। तो ये एक फॉल्ट मुझे यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ प्रॉब्लम है या इसमें कमियाँ हैं। टेक्नोलॉजी का जो कैमरा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कंपेयर टू नोकिया 5.1 प्लस। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कत है। यूआई भी मुझे काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है, इसका टच सेंसिटिविटी टेक्नोलॉजी से काफ़ी बढ़िया है, ये कुछ अलग बात हो गई। तो बोलने का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर जो नोकिया 5.1 प्लस मुझे कमियाँ मुझे मिल रही है, एक है बैटरी को लेकर, दूसरा है इसके कैमरास को लेकर। कैमरास में वीडियो कैमरा के अंदर स्टेबलाइजेशन से काफ़ी अच्छी, बट व्हेन इट कम्स टू ओपन कैमरा, अगर हम इसे शूट करना चाहते हैं वीडियो के लिए, तब इसकी क्वालिटी ओपन कैमरा में उतना बढ़िया नहीं आता है। दूसरी बात, तो जो फ्रंट कैमरा है इसकी जो क्वालिटी है वो आर्टिफिशियल लाइट में उतना बढ़िया नहीं है, यानी आर्टिफिशियल लाइट में आपको एकदम ही थर्ड क्लास क्वालिटी आपको मिलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है इस चीज़ के साथ। तो यही मैं कहूँगा कि जो स्मार्टफोन है, आप मुझे बताना कि आपके पास कौन सा कंपनी का स्मार्टफोन है, और क्या आपके लिए वो स्मार्टफोन पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, और अगर है तो मुझे बताना है, और अगर नहीं है तो क्या चीज़ से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो में अगर पहली बार, चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी करिए, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस करना, ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारे जो डिफरेंट जो वीडियोज़ हैं हम लाते रहते हैं हमारे चैनल पर, तो ऐसी अपना जो साथ है वो बनाए रखना, ठीक है। तो मिलता है आपको अगले में, तब तक के लिए बाय।